हेलो, वेलकम टू राइट वैल्यू प्रॉपर्टीज। राइट वैल्यू मेक्स यू हैप्पी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की साइट। 200 गज की बिल्डिंग है जिसमें आपको 2 BHK की यूनिट्स मिलने वाली हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड। सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको गेटेड गली में मिल जाता है। दूसरी चीज़ यह है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोनेबल प्रॉपर्टी है। तीसरी चीज़ ये है कि कॉमन रूफ राइट के साथ आपको मिलता है, यानी कि कोई भी फ्लोर आप ले सकते हैं, आपको छत के राइट मिलेंगे, मतलब कि आप छत पे जा सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, टॉप फ्लोर वाले के पास राइट नहीं रहेगा। उसके बाद सबसे खास बात यह है कि द्वारका मोड़ जैसी लोकेशन पर आपको ये 2 BHK फ्लैट मिल जाता है। आज मैं इसका कंप्लीट टूर कराऊंगा, एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप देखते रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, कमेंट करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा। जब ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद आप शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ वो ये है कि 2 BHK फ्लैट लोग थोड़ा स्पेशियस चाहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको 70 स्क्वेयर यार्ड बिल्डअप एरिया, 62.5 गज, 62.5 गज ऑन पेपर के साथ आपको फ्रंट साइड और बैक साइड के 2 BHK फ्लैट मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका कंप्लीट टूर कराता हूं मैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो ये बेहद ही शानदार मॉड्यूलर किचन आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रे और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। ग्रे और वाइट कलर काफ़ी रिच कलर में माना जाता है, जो कि बहुत ही डिसेंट होता है, अच्छा लगता है। दोस्तों, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे साइज़ के किचन है। 2 BHK के फ्लैट के हिसाब से बहुत अच्छा साइज़ इस किचन का रखा गया है। दोस्तों, इसमें प्रॉपर देखेंगे तो आप सारी चीज़ आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये सिंक मिल जाती है हैंडमेड की, सैनिट आइटम की फिटिंग हो चुकी है। दोस्तों, इसी के ऊपर आप यहाँ पर अपना RO फिट कर सकते हैं, और यहाँ जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर अपने ओवन या फिर माइक्रोवेव रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्विच एंड सॉकेट आपको मिल जाते हैं। उसी के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो एक चिमनी इंस्टॉल करके दी जा रही है। जितनी भी इसमें यूनिट्स हैं, चाहे आप फुल्ली फर्निश लें चाहे आप सेमी फर्निश लें, उसमें सब कुछ मिलने वाला है। चिमनी आपको मिलेगी फुल्ली फर्निश के अंदर, सिर्फ आपको बेड और सोफा नहीं मिलेंगे, और एक चीज़ और नहीं मिलेगी जो मैं अभी बीच में बताऊंगा वीडियो में। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको डबल थिकनेस के साथ, डबल मोल्डिंग के साथ ये आपको मिल जाता है यहाँ पे स्लैब ग्रेनाइट की, जिसमें आप देखेंगे तो वाइट कलर की स्लैब आपको मिलती है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। दोस्तों, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो प्रॉपर रूफ हाइट तक की टाइल्स लगाई गई हैं, ताकि जब आप किचन में काम करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हाथ गंदे होते हैं और वो कई बार दीवारों पर टच हो जाते हैं, तो दीवारें फिर मैली हो जाती हैं। तो दोस्तों, टाइल लगने से क्या होता है, आप इजीली उसे क्लीन कर सकते हो, वॉश कर सकते हो। अब यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे पूरी किचन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे ड्रॉअर मिल जाते हैं, सामान रखने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर एक पेंट्री आपको दी जा रही है, जो कि टफन ग्लास के साथ है। बहुत ही कमाल की पेंट्री है, मैं चाहूँगा कि एक बार इसको अच्छे से दिखा दिया जाए तरीके से। दोस्तों, ये किचन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मुझे पता है ये किचन आपको अच्छी लगी होगी, तो किचन के लिए इसे लाइक कर दीजिए। अब आपको दिखाता हूँ मैं ये हमारा लिविंग रूम। दोस्तों, किसी भी फ्लैट के अंदर लिविंग रूम एक ऐसा स्पेस होता है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सबसे पहले गेस्ट आपके आते हैं, एंट्री करते हैं, वो बैठते हैं। वो स्पेशियस होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि कंजेस्टेड फील ना हो, प्रॉपर स्पेस आपको मिले। क्योंकि ये 70 गज बिल्डअप एरिया के साथ 2 BHK फ्लैट आपको मिलता है, तो इसके बेडरूम के साइज़ और लिविंग रूम के साइज़ काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो काम आप देख रहे हैं ना, ये फुल्ली फर्निश्ड अगर आप 2 BHK फ्लैट लेते हैं तो उसके अंदर इसी तरीके से काम आपको मिलने वाला है। अगर आप सेमी फर्निश्ड लेंगे तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर लगाकर दिया जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो 6-7 सीटर सोफा प्लेसमेंट आपको दिखाई हुई है, पफी यहाँ पे लगा हुआ है, सेंटर टेबल राउंड शेप की लगी हुई है। उसके बाद भी आप देखेंगे तो काफ़ी स्पेस यहाँ पे मूव करने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक बेहद ही शानदार, आप देख पा रहे होंगे तो एक LED पैनल लगाया गया है, ताकि आप अपने लिविंग रूम में आप एक यहाँ पे LED इंस्टॉल कर दें, और जो भी गेस्ट आते हैं या आप भी खाना खाते हुए या फिर रेस्ट करते हुए यहाँ पे बैठते हुए आप कोई भी अपना फेवरेट शो एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से हम सीधा अंदर चलेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम जो कि वॉशरूम के साथ अटैच है। इसका काफ़ी अच्छे साइज का वॉशरूम भी आपको मिल जाता है। सबसे पहले चाहूँगा कि एक बार आप ये वॉशरूम देख लीजिए, इसमें सभी फिटिंग्स हो चुकी हैं सारी। आप देखेंगे तो इसमें आपको एक लुक एंड मिरर मिल जाता है, वैनिटी मिल जाती है। दोस्तों, बहुत ही कमाल का टाइलिंग वर्क मिल जाता है। अब आप देखिए, ये है हमारा बेडरूम।
बेडरूम के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शाफ्ट है, आप इस ग्लास को यहाँ से हटाकर इसमें एक विंडो लगा सकते हैं ताकि वेंटिलेशन आपको मिलता रहे। और ये आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एक ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है दोस्तों, और ये जितना भी आप काम देख रहे हैं दोस्तों ये आपको मिल जाता है, बहुत ही कमाल का काम यहाँ पर किया गया है। और ये 6x6 के साइज़ का एक बेड लगाकर दिखाया गया है ताकि आपको रूम का साइज़ पता चल जाए। काफ़ी स्पेशियस रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है, बहुत ही बड़े साइज़ का LED पैनल आपको इस बेडरूम के अंदर मिल जाता है। और सबसे खास बात इसकी वार्डरोब दोस्तों, बहुत ही कमाल की वार्डरोब है, काफ़ी बड़े साइज़ की वार्डरोब इस बेडरूम के अंदर आपको लगाकर दी जा रही है, जिसमें आप अपना काफ़ी सामान रख सकते हैं। आप देखेंगे तो प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाता है दोनों ही तरफ, और ऊपर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ भी स्पेस आपको मिल जाता है, तो किसी तरह की दिक्कत इस बेडरूम के अंदर आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने कहा था, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ये 2BHK फ्लैट बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है दोस्तों। मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 800-900 मीटर की दूरी पर ये 2BHK फ्लैट मिलता है आपको, गेटेड गली के अंदर, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोनेबल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से सीधा हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में, जो कि बालकनी के साथ अटैच है, और इसके साथ भी आपको एक वॉशरूम अटैच मिल जाता है। पर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार ये बेडरूम आप देख लीजिए, इस बेडरूम के अंदर आपको मिल जाते हैं एक बेहद ही शानदार ये वार्डरोब दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे तो पीछे आप देखेंगे प्रॉपर वर्क मिल जाता है, जिसमें एक वॉल को डिज़ाइन किया गया है, साथ में इसमें भी बेड इंस्टॉल करके दिखाया हुआ है दोस्तों, साथ में इसमें भी एक ड्रेसिंग टेबल आपको मिल जाता है, एक LED पैनल आपको मिल जाता है, और बेहद ही शानदार सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रॉपर्टी को काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। और यहाँ से हमें मिल जाता है हमारा ये अटैच वॉशरूम। मैं चाहूंगा कि एक बार अटैच वॉशरूम आप अच्छे से देख लें, काम बहुत प्यारा है, बहुत लग्जरी वर्क करने की कोशिश की गई है, सिर्फ ये दिखने में अच्छा नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब आप विजिट करेंगे, देखेंगे साइट पर, तो आपको चीजें समझ आएंगी दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूं ये हमारी बालकनी। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो वीडियो हमने अभी बनाई है वो फ्रंट साइड के 2BHK फ्लैट की वीडियो बनाई है, जो कि हमने सैम्पल फ्लैट रेडी किया है। ये फुल्ली फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड आप लेना चाहें तो सेमी फर्निश्ड भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि उसमें बेड और सोफ़ा ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे कि लिविंग रूम के अंदर कुछ कोल्ड ड्रिंक वर्क किया हुआ था वो नहीं मिलेगा, उसकी जगह वॉलपेपर मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि गेटेड गली आपको मिलने वाली, तो आप देख लीजिए एक बार, गेटेड गली है, प्रॉपर गेट लगा हुआ है, शांत गली है, किसी तरह की प्रॉब्लम आपके बच्चों को यहाँ फेस नहीं करनी पड़ेगी, और बिल्कुल किसी तरह का डिस्टर्बेंस आपको नहीं मिलेगा। लिफ्ट प्लस कार पार्किंग के साथ ये 2BHK फ्लैट आपको मिलता है, बहुत ही बड़े साइज की कार पार्किंग आपको यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें रूफ राइट कॉमन होने वाले हैं, तो आप अगर अपर ग्राउंड फ्लोर लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर लेते हैं, कोई भी फ्लोर लेते हैं, तो छत पर आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और उस छत का मजा आप ले सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़े साइज की छत आपको मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, मुझसे कुछ छूटा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो फिर लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये फ्लैट आपको कैसा लगा। अगर विजिट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपकी कॉल आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी।